बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू आडियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रजा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 14 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इस न्यू टॉपिक का नेम है गाजेस जॉर्डन मेथड। ये हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन की फॉर्म के लिए हमने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया है न्यू चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने गाजेस एलिमिनेशन मेथड किया था, फर्स्ट मेथड था, और सेकंड मेथड आज हम गाजेस जॉर्डन मेथड को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इस मेथड का जो अनदर नेम भी होता है, जिसे हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रीवियस गाजेस एलिमिनेशन मेथड था, उसे आप एचेलॉन फॉर्म कहते थे, और गाजेस जॉर्डन मेथड को आप रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कहते हैं। और इसमें जस्ट फ्यू इंस्ट्रक्शंस का फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा, और वो इस अंदाज में होगा जो आप डायगनल एंट्रीज ले रहे थे उसमें लोअर एंट्रीज आप जीरो बनाते थे, बट आपने गाजेस जॉर्डन मेथड, जिसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कहते हैं, इसमें डायगनल एंट्रीज के डाउनवर्ड और अपवर्ड, यानी कि आपने लोअर डायगनल का लोअर पोर्शन और डायगनल का अपर पोर्शन दोनों को आपने जीरो शो अप करवाना है, देन आपके पास वो गाजेस जॉर्डन प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा, यानी कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को एग्जिस्टेबल कर देगा। तो चलते हैं आडियर स्टूडेंट एप्लीकेशन को परफॉर्म करवाने की तरफ। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग गाजेस जॉर्डन मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन में ली है, ये प्रीवियस जो लेक्चर में आपको गाजेस एलिमिनेशन मेथड में मैंने करवाए हैं, ये सेम वही क्वेश्चन है। जस्ट मैंने आपको मेथड का नेम न्यू आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, और एप्लीकेशन आपकी प्रीवियस ही है, ठीक है ना। ये इसलिए मैंने प्रीवियस एप्लीकेशन यहाँ पे अडॉप्ट की है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोई भी आप मेथड अप्लाई करें तो आपकी एप्लीकेशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बट आपको जो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कोई भी मेथड, आपने उसको फॉलो करना है, उस मेथड की जो डिमांड है आपने उनको फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म करवा देना है, और आंसर किसी भी मेथड से सेम ही आएगा। बट आपको जिस मेथड से कहा जा रहा है आपने उनको फॉलो करना है। अगर आप अगेंस्ट कोई और मेथड अप्लाई करते हैं तो आपने उन मेथड्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अपने मेथड को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर वो आपके पास जो प्रॉपर्टीज है वो अनफेल्ड हो जाएगी। तो आपने मेथड को माइंड में रखना है, मतलब गाजेस जॉर्डन मेथड की जो प्रॉपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी एप्लीकेशन दी जाए तो आप परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 विल बी इक्वल 18। ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 विल बी इक्वल 13। और थर्ड इक्वेशन है 3x1 प्लस x2 प्लस 3x3 विल बी इक्वल 14। तो चलते हैं आरडीए स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म करवाने की तरफ। सॉल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो गाजेस एलिमिनेशन मेथड में भी हमने यही काम किया था कि हमने कोई भी इक्वेशंस फॉर्म दी हुई हैं जो कि स्केयर मैट्रिक्स को होल्ड कर रही हैं, मतलब 3x3 का ऑर्डर कंटेन कर रही है, तो आपने गाजेस एलिमिनेशन हो या एनी मेथड हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक हो गया। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x1, x2, x3 जो इनके वेरिएबल्स हैं, जो इनके रूट्स होंगे, एग्जैक्ट रूट, आपने उनके कोएफिशिएंट्स राइट करने होते हैं बिगर मैट्रिक्स के अंदर। बिगर मैट्रिक्स आपने ये जनरेट करना होता है। तो बिगर मैट्रिक्स में आपने फर्स्ट इक्वेशन की कोएफिशिएंट्स कौन से हैं, 2, ये वाला 2 है और ये 4 है, तो ये हमने राइट कर दिया 2, 2 एंड 4। और सेकंड इक्वेशन का आप देख सकते हो, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, वो मैंने यहाँ राइट कर दिया 1, 3 एंड 2। थर्ड इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं, x1 का यहाँ पे 3 है, वो राइट कर दिया, x2 का यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, ये राइट कर दिया, x3 का कोएफिशिएंट 3 है, ये हमने राइट कर दिया। अनदर मैट्रिक्स आपने साथ में लिखना है जो कि कॉलम फॉर्म में होगा, इसमें आपने वेरिएबल्स जो होंगे x1, x2, x3 ये राइट कर देने हैं, x1, x2 एंड x3। फिर आपने इक्वल का साइन डालना होता है, फिर आप ये सॉल्यूशन के एलिमेंट्स लिखते होते हैं 18, 13, 14, ये आपने राइट कर दिया, ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमने बात करनी होती है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की। हेयर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से कैसे बनेगा कि ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है या आपके पास एक्स मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कैपिटल बी मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स में अगर आप बी मैट्रिक्स कंबाइंड कर देते हैं तो ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। तो ए बी इक्वल हो जाएगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये होता है, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के, ये हमारे पास 3 कॉलम आ जाएंगे, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये हमारे पास ये ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक हो गया। ये जो आपको मैं सर्कल आउट करके बता रहा हूँ,
ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, ठीक है, यानी कि 2 2 4 1 3 2 3 1 3, दीज आर नोन एज ए मैट्रिक्स एलिमेंट। और सॉल्यूशन एलिमेंट्स कौन से हैं, 18 13 14, ये हमने राइट कर दिया, 18 है 13 है एंड 14 है। ऑनवर्ड हमने इस पे वर्क करना है रिड्यूस एचलन फॉर्म के लिए, तो रिड्यूस एचलन फॉर्म यानी कि गॉसियन जॉर्डन मेथड जो होगा इसको हम फॉलो करेंगे। नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू इन रिड्यूस एचलन फॉर्म। रिड्यूस एचलन फॉर्म के लिए हम रिडक्शन प्रोसेस लेते हैं, तो रिडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो इसकी बात फॉलो करनी है वो आप माइंड में रखिएगा कि रिड्यूस एचलन फॉर्म के लिए आपने ये जो डायगनल एंट्रीज है ना, ये वाली, ये जो डायगनल एंट्रीज है, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में भी डायगनल के ऊपर ही वर्क किया था, तो उसमें भी आपने डायगनल एंट्रीज को वन बनाया था, और गॉसियन जॉर्डन मेथड जिसे आप रिड्यूस एचलन फॉर्म कहते हैं इसमें भी आपने डायगनल को वन वन बनाना है, यानी कि इस टू की जगह वन बनाना है, इस थ्री की जगह वन बनाना है, और इस थ्री की जगह भी आपने वन बनाना है, यानी ये जो आपके पास डायगनल एंट्रीज आ रही हैं ऐसे, ये जो डायगनल एंट्रीज है इसकी जगह आपने वन बनाना है, और इस डायगनल वन बनाने के बाद आपने इनका अपर पोर्शन ये टू ये फोर और ये टू, ये अपर पोर्शन है, ये भी आपने जीरो बनाना है, और डायगनल एंट्रीज, ये जो डायगनल एंट्रीज है इसका जो लोअर पोर्शन है ये वाला, यानी कि वन थ्री वन, ये भी आपने जीरो जीरो बनाना होगा, देन आपके पास ये गॉसियन जॉर्डन की प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, यानी ये डायगनल वन वन हो जाएगा, और अदर देन अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन ये जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए हम करने लगे हैं, ये हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है यहाँ पे वन बनाने के लिए आपने क्या करना है, इस फर्स्ट रो को टू पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे टू की जगह आपने वन बनाना है, तो टू को आप फिर टू पे डिवाइड करेंगे, देन आपके पास ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे वन बना देगा, और बाकी पार्ट्स के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमने वर्क करना है और बाकियों के ऊपर उसका इफेक्ट हमें सीन हो जाएगा। तो यहाँ पर वन बनाने के लिए हम करने लगे हैं बाय वन बाय टू आर वन, तो ये देख सकते हैं फर्स्ट रो को हमने टू पे डिवाइड किया, तो इस टू को टू पे डिवाइड किया ये वन आ गया, इस टू को टू पे डिवाइड किया वन आ गया, इस फोर को टू पे डिवाइड किया टू आ गया, 18 को टू पे डिवाइड किया ये नाइन आ गया, ठीक है, यानी कि इस टू की जगह हमने ये वन बना दिया है, ठीक है, ये डायगनल एंट्रीज का फर्स्ट एलिमेंट हमने वन बना दिया है। अब अगले स्टेप में आपने ये करना है, इस वन के नीचे आपने यहाँ पर जीरो बनाना है और यहाँ पे जीरो बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये हमारे पास सेकेंड रो है, ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट रो है, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट रो में से माइनस कर देंगे, वो मैंने राइट किया हुआ है बाय आर टू माइनस आर वन, यानी आर टू मीन सेकेंड रो माइनस आर वन मीन फर्स्ट रो, यानी सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे, तो ये वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, ये थ्री माइनस वन ये टू हो जाएगा, ये टू माइनस टू ये जीरो हो जाएगा, 13 माइनस 9 ये फोर हो जाएगा, ठीक है। ऑनवर्ड आप कैलकुलेटर पे भी ये राइट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, तो कैल का बटन प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप ए की वैल्यू ये वन पुट कर सकते हो, व्हाट इज बी पूछेगा, आर वन की जगह आप ये वन पुट कर सकते हैं, आपका आंसर ये जीरो आ जाएगा, और ऐसे ही आप कंप्लीट वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास ये रो जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर थ्री की जगह आपने वन बनाने के लिए क्या करना है, कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास थर्ड रो है और ये आपके पास है फर्स्ट रो, ठीक है, तो थर्ड रो थ्री है यहाँ पे वन है, तो आप फर्स्ट रो को थ्री से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे थ्री बन जाएगा, ये कंप्लीट रिजल्ट पे इफेक्ट होगा, जब यहाँ पे थ्री हो जाएगा तो ये प्लस थ्री है और ये भी प्लस थ्री है, तो थ्री में से थ्री माइनस करने के लिए आप इसे सबट्रैक्ट कर देंगे, ये मैंने राइट किया हुआ है थर्ड रो माइनस थ्री मल्टीप्लाई फर्स्ट रो आर थ्री माइनस थ्री आर वन, तो ये ऐसे हो जाएगा जब आप कैलकुलेटर पर राइट करेंगे कि कैपिटल ए माइनस थ्री इंटू कैपिटल बी, तो आप कैल का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने ए की जगह ये थ्री पुट कर देना है, फिर आपसे पूछेगा आर वन की जगह व्हाट इज बी, तो बी की जगह आप ये वन पुट करेंगे तो आपका आंसर ये जीरो आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आप फिर अगेन कैल का बटन प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप ये वाला वन पुट कर देंगे, आप अगेन प्रेस करेंगे कैल का बटन, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, तो आप ये वाला वन पुट कर देंगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा माइनस टू, ऐसे ही आप थ्री कैल का बटन प्रेस करेंगे तो आप से पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप ये थ्री राइट कर देना, ठीक है, आपसे पूछेगा अगेन, आप कैल का बटन प्रेस करेंगे व्हाट इज बी, तो आप टू पुट करेंगे तो आपका आंसर माइनस थ्री आ जाएगा, सिमिलरली आप 14 और 9 को सोल्व करेंगे माइनस 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही आपके पास क्रिएटेड हो जाएगा। तो ये डायगनल एंट्रीज वन के नीचे हमने ये जीरोज होल्ड करवा दिए हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप डायगनल एंट्रीज की तरफ मूव करना है, इस टू की जगह हमने वन बनाना है,
इस टू की जगह वन बनाने के लिए आप इस सेकंड रो को टू पे डिवाइड कर देंगे, वही मैंने राइट किया हुआ है, बाय वन बाय टू आर टू। जब आप टू पे डिवाइड कर देंगे ये आंसर आ जाएगा 0 1 0 2, और फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमने अब क्या करना है, ये जो हमारे डायगनल, ये देखें डायगनल एंट्रीज ऐसे वन बन गई हुई है, ठीक है। अब इस डायगनल वन के नीचे आपने, इसके नीचे भी आपने जीरो बनाना है और इसके नीचे अपवर्ड भी आपने जीरो बनाना है, ठीक है। यानी कि ये डायगनल एंट्री है वन, ये देखना ऐसे, ये डायगनल एंट्री है, इस वन के नीचे ये वाला एलिमेंट जीरो बनाना है और इस वन के ऊपर ये वाला एलिमेंट आपने जीरो बनाना है। तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे कि ये आपके पास फर्स्ट रो है या आपके पास सेकंड रो है, फर्स्ट रो में से आपने ये सेकंड रो माइनस करनी है, यानी आर वन माइनस आर टू। तो ये देखिए आपके पास क्या बन जाता है, बाय आर वन माइनस आर टू। तो आप क्या करेंगे, देखें वन माइनस जीरो ये आपके पास वन आ जाएगा, वन माइनस वन ये जीरो आ गया, टू माइनस जीरो ये टू आ जाएगा, नाइन माइनस टू ये सेवन आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है सेकंड रो ये एज इट इज, नो चेंज, ठीक है, ये 0 1 0 2 एज इट इज राइट किया। अब आपने इस वन, यानी ये डायगनल का वन है, इसके नीचे माइनस टू की जगह आपने जीरो बनाना है। तो क्या करेंगे, ये आपके पास थर्ड रो है, ये सेकंड रो है, तो आपने लिखना है आर थ्री थर्ड रो प्लस टू आर टू, यानी कि सेकंड रो को आपने टू से मल्टीप्लाई कर देना है और देन ऐड करेंगे तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा। यही मैंने राइट किया हुआ है, आर थ्री थर्ड रो प्लस टू मल्टीप्लाई आर टू सेकेंड रो। तो ये देखें आप कैलकुलेटर पे राइट कीजिएगा, कैपिटल ए प्लस टू इंटू कैपिटल बी, कैल का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप एक जगह माइनस टू पुट कर देना। आप अगेन कैल का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज बी, आप ये वन पुट कर देना, आपका आंसर जीरो आ जाएगा। अगेन ऐसे ही प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे, माइनस थ्री जीरो को सोल्व करेंगे माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस थर्टीन टू को सोल्व करेंगे आपका आंसर माइनस नाइन आ जाएगा। तो ये देखें आपके पास डायगनल एंट्रीज ऐसे ये वन वन जनरेट हो गई है और इनके ऊपर जीरो है, नीचे भी जीरो है, और इस वन के नीचे भी जीरोज आ रहे हैं, यानी कि ये डायगनल एंट्रीज की प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी है इतनी। अब हमने इस डायगनल के बाद इस डायगनल पे मूव करना है, इस डायगनल की जगह भी आपने अब वन बनाना है, माइनस थ्री की जगह वन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस थ्री पे डिवाइड कर देंगे, वही मैंने राइट किया हुआ है, बाय माइनस वन बाय थ्री आर थ्री, यानी थर्ड रो को हमारे थर्ड रो को आपने माइनस वन बाय थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया माइनस वन बाय थ्री से, इस माइनस थ्री को माइनस थ्री पर डिवाइड किया वन, माइनस नाइन को माइनस थ्री पर डिवाइड किया प्लस थ्री। तो ये देख सकते हैं आपका डायगनल एंट्रीज में ये वन वन एंट्रीज शो हो गई हैं। अब हमारा ओनली ऑन वन टाइम ये प्रोसेस रह गया है, इस वन के अपवर्ड यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए, यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए, ये जीरो बना हुआ है बट आपने यहाँ पर अब जीरो बनाने के लिए ये प्रोसेस करना है। तो ये आपके पास कौन सी रो है, फर्स्ट रो, ये आपके पास कौन सी रो है, थर्ड रो। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो में से थर्ड रो को माइनस करेंगे और साथ में थर्ड रो को टू से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी कि आर वन माइनस टू आर थ्री, ये देखें बाय आर वन माइनस टू आर थ्री। तो ये आपके पास प्रोसेस हो जाएगा, आप कैलकुलेटर पर राइट कीजिएगा, कैपिटल ए माइनस टू इंटू कैपिटल बी, कैल का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप एक जगह ये देखें एक जगह पुट करेंगे टू, फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, तो आप बी की जगह पुट करेंगे वन, तो आपका आंसर ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। ऑनवर्ड ऐसे ही आपने अगेन आपने कैल का बटन प्रेस करना है, ए का बटन पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने ये वन पुट कर देना है, बल्कि सॉरी ये सेवन आपने पुट कर देना है। तो जब आप सेवन पुट कर देंगे उसके बाद पूछेगा आपसे व्हाट इज बी, तो आपने ये थ्री पुट कर देना है, तो आप सोल्व करके ये आंसर ले आएंगे वन, ठीक है ना, ऐसे ये सोल्व कर लेना है। तो ये देखें डायगनल एंट्रीज जो हैं, डायगनल एंट्रीज ये वन बन गई हुई हैं, ये डायगनल एंट्रीज वन है और इनके अपवर्ड और डाउनवर्ड जीरोज आ रहे हैं, यानी इस वन के नीचे ये जीरो है, इस वन के ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, और इस वन डायगनल के अपवर्ड जीरोज आ रहे हैं, यानी कि ये आपके पास डायगनल और इनके अपवर्ड डाउनवर्ड जीरोज होल्ड हो रहे हैं। तो ये गॉस जॉर्डन रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। सो ये हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बन गया है, दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर रूट्स एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री, यानी जो फर्स्ट रूट होगा ये एक्स वन का होगा, ये सेकंड जो रूट होगा एक्स टू का होगा, ये हमारे पास जो थर्ड रूट होगा एक्स थ्री का होगा, वही मैंने राइट किया होगा। सो वी हैव, ये हमारे पास एक्स वन की वैल्यू है, एक्स वन इज इक्वल टू वन, यही मैंने राइट किया होगा, एक्स वन इज इक्वल टू वन, और ये हमारे पास एक्स टू है, एक्स टू इज इक्वल टू टू, ये मैंने राइट कर दिया एक्स टू इज इक्वल टू, और ये हमारे पास एक्स थ्री है, एक्स थ्री इज इक्वल टू थ्री, ये मैंने राइट किया एक्स थ्री इज इक्वल टू थ्री,
और ये आपने कंक्लूजन राइट करना है, हैंस विच इज आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ गाजस जॉर्डन मेथड आर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं आर डियर स्टूडेंट्स, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग गाजस जॉर्डन मेथड। इसकी एप्लीकेशन क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y - z इज इक्वल है 8, सेकेंड इक्वेशन है -2x + y + z इज इक्वल है +3, थर्ड इक्वेशन है x + 2y - z विल बी इक्वल 2। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू इन मैट्रिक्स फॉर्म, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास थ्री इक्वेशंस हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स को कंटेंट कर रही हैं, थ्री रोज थ्री कॉलम के अकॉर्डिंग, और ये हमने थ्री रूट्स के अकॉर्डिंग हमने प्रोसेस कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बिगर मैट्रिक्स ड्रॉ करना होता है, ये हमने बिगर मैट्रिक्स ड्रॉ करना होता है जिसे आप ए मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें एक्स वाई जी के जो कॉफिशेंट्स होंगे वो राइट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के कॉफिशेंट्स हैं 3, 4, -1, 3, 4, -1, ये राइट कर दिया, और सेकेंड इक्वेशन के कॉफिशेंट है -2, +1, +1, -2, +1, +1, ये राइट कर दिया, और थर्ड इक्वेशन के कॉफिशेंट्स हैं 1, 2, -1, तो ये मैंने राइट किया हुआ है 1, +2, -1, और अनदर इक्वेशन जो कि कॉलम फॉर्म में है ये हमने राइट किया हुआ है। इसमें हमारे पास जो एंट्रीज हैं कॉलम फॉर्म में, जो रूट्स हैं एक्स है वाई है जी है, वो हमने कॉलम फॉर्म में राइट कर दिया, एक्स वाई एंड जी विल बी इक्वल, सॉल्यूशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 8, 3, 2, वो हमने राइट कर दिया हुआ है 8, 3 एंड 2। ऑनवर्ड हमने क्या बात करनी है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की। हेयर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के लिए ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में कंबाइन करेंगे, तो ये ए बी मैट्रिक्स विल बी इक्वल हो जाएगा 3, 4, -1, -2, 1, 1, 1, 2, -1, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये वाला ए मैट्रिक्स, और उसके बाद ये जो हमारे पास फोर्थ कॉलम है ये आपके पास सॉल्यूशन कॉलम होगा 8, 3, 2, 8, 3, 2, ठीक है। अब ये हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से आपने मूव करवाना है रिड्यूस एचलन फॉर्म के लिए, रिडक्शन प्रोसेस इस पर होल्ड करवाएंगे ताकि गॉसियन जॉर्डन मेथड अप्लाई हो सके। नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू इन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। तो रिडक्शन प्रोसेस के लिए आपने अब क्या करना है कि ये आपने ये डायगनल जो है डायगनल एंट्रीज में 1 बनाना है और इनके अपवर्ड और डाउनवर्ड 0 क्रिएट करना है, यानी कि यहाँ पे 1 बनाना है, ये 1 बना हुआ है और ये -1 है, इस पर आपने +1 बनाना है। एक काम ये आप करेंगे डायगनल एंट्रीज 1, और सेकेंड काम आप ये करेंगे के डायगनल एंट्रीज का अपवर्ड पोर्शन और डायगनल एंट्रीज का लोअर पोर्शन ये आपने 0 क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारे पास जो है ना ये डायगनल एंट्रीज का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है 3, तो इस 3 की जगह आपने क्या बनाना है 1, तो 1 बनाने के लिए फर्स्ट रो को 3 पे डिवाइड कर दें। तो जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये देख सकते हैं इस 3 की जगह ये 1 आ गया, 4 को 3 पे डिवाइड किया 4/3 आ गया, -1 को 3 पे डिवाइड किया -1/3 आ गया, 8 को 3 पे डिवाइड किया 8/3 आ गया। ऑनवर्ड हमने सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज राइट कर देनी है, ये देखें ये एज इट इज राइट की हुई है, ये इसको आप फॉलो करेंगे, देखें -2, 1, 1, 3, एज इट इज 1, 2, -1, 2, 1, 2, -1 एंड 2, एज इट इज लिखा हुआ है। जस्ट ओनली ऑन फर्स्ट रो को, यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो को 3 पे डिवाइड किया था, तो ये स्टेप आपका क्रिएट हुआ है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये डायगनल एंट्रीज की जगह आपने देखेंगे 1 बना दिया हुआ है, अब इस 1 के नीचे आपने यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है ना। तो ये सेकंड रो है और ये हमारे पास फर्स्ट रो है, तो सेकंड रो में यहाँ पर -2 की जगह 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे R2 + 2R1, यानी कि फर्स्ट रो को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन ऐड कर देंगे सेकंड रो के साथ, देन यहाँ पे आपका -2 की जगह 0 बन जाएगा। आप कैलकुलेटर पे राइट कर लीजिएगा R2 + 2R1 की रिप्लेसमेंट के लिए A + 2B, कैलक का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप एक जगह -2 पुट करेंगे, आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, तो आपने उस बी की जगह 1 पुट करना है, तो आंसर का बटन प्रेस करके आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है ना। ऑनवर्ड आपने यही बातें करनी है, आप कैल का बटन प्रेस करेंगे व्हाट इज ए, तो एक जगह 1 पुट करेंगे,
आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, तो आपने 4/3 पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/3। फिर आपने कैलकुलेटर पे कैल का बटन प्रेस करना है, व्हाट इज ए, तो एक जगह 1 पुट करेंगे, और व्हाट इज बी की जगह आपने -1/3 पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा +1/3, ठीक है ना। आपने अगेन कैल का बटन प्रेस करना है, पूछेगा व्हाट इज ए, एक जगह आप 3 पुट करेंगे ये वाला, फिर आप अगेन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज बी, बी जगह आपने 8/3 पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 25/3, ठीक हो गया। ऑनवर्ड ये हमारे पास ये तो हो गया ना सेकंड रो। अब हमने ऑनवर्ड ये बात करनी है, इस वन के नीचे ये तो जीरो बना दिया है, अब यहां भी जीरो बनाना है, ठीक है। यहां भी जीरो बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये थर्ड रो है ये फर्स्ट रो है, तो थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर देंगे, तो वो आपके पास यहाँ पे 1 की जगह 0 आ जाएगा, वही मैंने लिखा हुआ है R3 - R1, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो। तो आप कैलकुलेटर से राइट कर लेना, कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, कैल का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए, एक जगह आपने ये 1 पुट कर देना है, फिर पूछेगा व्हाट इज बी, तो आपने ये 1 पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 0, ठीक हो गया। फिर ऑनवर्ड आपने यही बात करनी है, कैल का बटन प्रेस करेंगे, आपने ए का बटन, जब आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने ये 2 प्रेस कर देना है, फिर जब आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, तो आपने ये 4/3 पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है, -1 और ये -1/3 ये राइट करेंगे, -2/3 आंसर आ जाएगा, और सेम यही प्रोसेस आप फिर कंटिन्यू करेंगे, आप 2 पुट करेंगे और 8/3 पुट करेंगे ए और बी की जगह, यानी ए की जगह 2 पुट करेंगे, बी की जगह 8/3 पुट करेंगे, तो आपका आंसर -2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यानी ये सेकंड रो भी होगी, थर्ड रो भी हो गई, यानी इस डायगनल एंट्री के 1 के नीचे आपने ये भी 0 बना दिया है, ये भी 0 बना दिया और ये भी 0 बना दिया है। अब हमने डायगनल को नेक्स्ट मूव करवाना है, यानी इस 1 के बाद आपने इस पे आना है, यानी सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट पे, ठीक है ना। यहाँ पे 11/3 की जगह आपने अब क्या बनाना है, 1 बनाना है, जिसपे मैं ये सर्कल आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस सेकंड रो को 3/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मैंने राइट किया हुआ है, -3/11 सेकंड रो, सेकंड रो R2 को 3/11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास 11/3 की जगह आपका बन जाएगा 1। ये देखें 11/3 को 3/11 से मल्टीप्लाई किया 1, 1/3 को 3/11 से मल्टीप्लाई किया 1/11, 25/3 को 3/11 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 25/11। फिर आपने जो है ना ये फर्स्ट रो एज इट इज राइट कर देनी है, ये जो आपके पास थर्ड रो है ये भी एज इट इज राइट कर देनी है, ये देख सकते हैं ये थर्ड रो है और ये थर्ड रो है, एज इट इज मैंने राइट की हुई है, ठीक है, नो चेंज। ऑनवर्ड हमने ये बात करनी है, ये जो 1 आपने देखें, ये डायगनल एंट्रीज का, ये डायगनल एंट्रीज का ये 1 हमने बनाया हुआ है, इस 1 के बाद आप इस डायगनल पे मूव करके 1 बना दिया है, अब इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है और इस 1 के 0 भी नीचे भी 0 बनाना है, यानी कि इस 1 के डायगनल के 1 के इस डायगनल के 1 के अपवर्ड डायगनल के डाउनवर्ड 0 बनाना होगा, देन आपका गॉस जॉर्डन की प्रॉपर्टी होल्ड, हम मूव करवाएंगे। तो आप देखें इस 1 के अपवर्ड हमारे पास 4/3 है, तो फर्स्ट रो आप फर्स्ट रो को यहां पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 - 4/3 R2, वही मैंने यहां पे राइट किया हुआ है, -R1 - 4/3 R2, यानी फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, -4/3 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो के साथ R2 के साथ, यानी कि इस 1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, ये भी 4/3 है, फिर आप सबट्रैक्ट करेंगे, तो 4/3 में से 4/3 माइनस करेंगे, तो ये देखें 0 आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर पे राइट करना है, आपने ये फंक्शन सेव करना है, कैपिटल ए माइनस 4/3 कैपिटल बी, कैल का बटन प्रेस करेंगे, फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो ए की जगह आपने ये 4/3 पुट कर देना है, फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, तो आपने बी की जगह ये 1 पुट कर देना है, तो आपका आंसर डायरेक्टली कैलकुलेटर से आ जाएगा 0, ये आपका 0 बन जाएगा, ठीक हो गया। फिर आपने अगेन यही प्रोसेस करना है, तो ये जब आप पुट करेंगे, कैल का बटन प्रेस करना है, व्हाट इज ए, एक जगह 1 पुट करेंगे, व्हाट इज बी की जगह 0 पुट करेंगे, तो आपका आंसर ये 1 ही आ जाएगा। आपने अगेन पुटिंग करना है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, एक जगह -1/3 पुट कर देना, और पूछेगा व्हाट इज बी, व्हाट इज बी की जगह 1/11 पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -5/11। आप अगेन कैल का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए, 8/3 पुट कर देंगे, फिर पूछेगा व्हाट इज बी,
25/11 पुट करेंगे तो फिर आपका आंसर डायरेक्टली कैलकुलेटर से आ जाएगा -4/11। फिर ऑनवर्ड आपने क्या बात करनी है, इस 1 के यहाँ नीचे भी आपने डाउनवर्ड भी 0 बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये हमारे पास थर्ड रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है, तो R3 -2/3 R2, ये मैंने राइट किया हुआ है, R3 -2/3 R2, यानी कि थर्ड रो में से आपने सेकंड रो को 2/3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, देन आपके पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। ये देखें, यहाँ जब आप 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे +2/3 आ जाएगा, ये भी 2/3 है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, अलामत चेंज करेंगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ये नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है। तो अब इसके लिए कैलकुलेटर पे आप फंक्शन पहले सेव करेंगे, कैपिटल ए -2/3 कैपिटल बी, तो आप कैल का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए, तो ए की जगह आपने ये 2/3 पुट कर देना है, पूछेगा व्हाट इज बी, व्हाट इज बी की जगह आपने ये 1 प्रेस कर देना है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑनवर्ड आपने कैल का बटन प्रेस करना है, तो पूछेगा व्हाट इज ए की जगह आपने ये -2/3 पुट कर देना है, फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, 1/11 पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा -8/11। फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो एक जगह आपने -2/3 पुट कर देना है, और फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, 25/11 पुट कर देना है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -24/11, ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर ऑनवर्ड आपने अब ये बात करनी है कि देखें ये आपका डायगनल एंट्रीज है, इस डायगनल एंट्रीज के अपवर्ड डाउनवर्ड 0 आपने बना दिया है, ये 0 ऊपर भी बना दिया, नीचे भी बना लिया, इस डायगनल एंट्रीज के बोथ 0s होल्ड कर रहे हैं, ये बात ट्रू हो गई है। इस डायगनल एंट्रीज के बाद आपने ये 1 बनाया था, इस डायगनल एंट्रीज के बाद 1 आपने अब यहाँ पे बनाना है, ये -8/11 की जगह आपने 1 बनाने के लिए अब क्या करना है कि आपने थर्ड रो को -11/8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही मैंने राइट किया हुआ है, -11/8 R3, यानी थर्ड रो को -11/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -8/11 को -11/8 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 आ गया, -24/11 को -11/8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें डायगनल एंट्रीज का ये 1 बन गया हुआ है, अब आपने एक काम करना है, इस 1 के ऊपर आपके दोनों टाइम 0 आने चाहिए, यहाँ पे भी 0 हो 1/11 की जगह, और -5/11 की जगह भी 0 होना चाहिए। तो इसके लिए आपने अब क्या करना है कि जो सेकंड रो है 1/11, इसके लिए आपने बात करनी है और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि R2 सेकंड रो R2 -1/11 R3, वही मैंने राइट किया हुआ है, बाय R2 -1/11 R3। आप कैलकुलेटर पे राइट करेंगे कैपिटल A -1/11 कैपिटल B, ठीक है, तो कैलकुलेटर का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने ये 1/11 पुट कर देना है, पूछेगा व्हाट इज बी, तो आपने ये 1 पुट कर देना, तो आपका आंसर डायरेक्टली ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑनवर्ड आपने कैलकुलेटर का बटन प्रेस करना है, आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, ए की जगह आपने 25/11 पुट कर देना है, पूछेगा व्हाट इज बी, तो आपने ये 3 पुट कर देना है, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा ये 2, ठीक है। उसके बाद ऑनवर्ड आपने ये करना है के कैलकुलेटर का बटन प्रेस करने के लिए यहाँ पर आपने क्या करना है, देखें ये आप फर्स्ट रो पे आ जाएं, फर्स्ट रो में यहाँ पर -5/11 है, यहाँ पे 1 है, आपने यहाँ पर -5/11 की जगह 0 बनाना है, ठीक है ना। इसके लिए अनदर फंक्शन की आप बात करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करना है कि ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास थर्ड रो है, तो फर्स्ट रो में से फर्स्ट रो को आपने थर्ड रो में ऐड करना है, और थर्ड रो को आप 5/11 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, देन फिर यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। इसके लिए लिखना है R1 फर्स्ट रो +5/11 R3, यही मैंने लिखा हुआ है, R1 +5/11 R3, यानी कि रो फर्स्ट प्लस ऐड करना है 5/11 मल्टीप्लाई करना है R3 से, यानी थर्ड रो के साथ। तो ये आपने कैलकुलेटर पे फंक्शन सेव कर लेना है, कैपिटल A +5/11 कैपिटल B, कैल का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज A, तो एक जगह आपने पुट कर देना -5/11, पूछेगा व्हाट इज B, आपने ये 1 पुट कर देना है, तो आपका डायरेक्टली आंसर ये 0 आ जाएगा, ये जो फर्स्ट रो में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट आपने कैल का बटन प्रेस करना है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, -4/11 पुट कर देंगे आप लोग, और फिर आपने अगेन कैल का बटन प्रेस करना है, पूछेगा व्हाट इज बी, तो आपने ये 3 पुट कर देना है, तो आपका डायरेक्टली आंसर ये 1 क्रिएट हो जाएगा, ठीक हो गया। ऑनवर्ड आपने अब देखें क्या है, ये डायगनल एंट्रीज आपकी 1 बन गई हुई हैं, और इनके
अपवर्ड भी जीरो हैं और डाउनवर्ड भी जीरोस कंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास रूट्स के सॉल्यूशन में एडेड हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि रूट्स की टर्म्स हैं फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, और ये हमारे पास उनके सॉल्यूशंस हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रूट का सॉल्यूशन होगा, ये हमारे पास सेकंड रूट का सॉल्यूशन होगा, ये हमारे पास थर्ड रूट का सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो वी हैव x1 इज इक्वल टू 1, तो ये मैंने बॉक्स में राइट किया होगा, कॉमा ये सेकंड रो में आ जाए, ये होगा x2 इज इक्वल 2, तो ये हमने बॉक्स में राइट किया होगा। और थर्ड रो में आ जाए, ये हमारे पास x3 है, x3 इज इक्वल टू 3, तो ये हमने बॉक्स में राइट कर दिया होगा। तो ये हमारे पास 3 रूट्स एग्जैक्ट रूट रिक्वायर्ड हो चुके हैं। तो ये हमने आगे कंक्लूजन राइट करना होता है, हैंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ गॉज़ जॉर्डन मेथड आर रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। तो ये नेक्स्ट मैंने कुछ एप्लीकेशंस आपको परफॉर्म करवाने के लिए दी हुई हैं, तो ये आपने होमवर्क अपना कंप्लीट करना है। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट मेथड्स, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज बिलो फोर मेथड्स। तो ये मैंने आपको प्रीवियस गॉज़ एलिमिनेशन मेथड में भी एप्लीकेशन करने के लिए दी हैं, सेम वही एप्लीकेशन आप गॉज़ जॉर्डन मेथड से भी करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक ये था गॉज़ जॉर्डन मेथड, जिसे रिड्यूस एचलॉन फॉर्म कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने ये एप्लीकेशन परफॉर्म करवानी है। फर्स्ट एप्लीकेशन है, रीड आउट कर देता हूँ, जैसे आपने प्रीवियस एप्लीकेशन रीड आउट की हुई हैं, उनको अंडरस्टैंड किया हुआ है, वैसे ही आपने इनको भी परफॉर्म करवाना है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 1, माइनस 3x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल माइनस 6, 2x माइनस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल है 6.6, एक्स माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल है 2.2, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल है 15.2। थर्ड क्वेश्चन है, 2x माइनस 3y प्लस जी इज इक्वल है -1, एक्स प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल है 25, 3x माइनस 4y प्लस जी इज इक्वल है 2। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आर डियर स्टूडेंट, 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल है 2, एक्स प्लस 10y माइनस 3z इज इक्वल है 5, एक्स माइनस वाई माइनस जी इज इक्वल है 3। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2x1 माइनस प्लस 2x2, ये प्लस है, 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 विल बी इक्वल 12, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 विल बी इक्वल 8, 5x1 प्लस 10x2 प्लस माइनस 8x3 इज इक्वल है 10, यहाँ पे माइनस है। और सिक्स क्वेश्चन है, 10x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल 12, एक्स प्लस 10y प्लस जी इज इक्वल 12, एक्स प्लस वाई प्लस 10z इज इक्वल 12। सेवन्थ क्वेश्चन है, एक्स प्लस 2y प्लस जी इज इक्वल 8, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल 20, 4x प्लस 3y इज इक्वल 2z इज इक्वल 16। लास्ट क्वेश्चन है आर डियर स्टूडेंट्स, 4x माइनस वाई माइनस जी इज इक्वल माइनस 7, एक्स माइनस 5y प्लस जी इज इक्वल माइनस 10, एक्स प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल 9। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आज के लेक्चर में फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई इशू हो, कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकता है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।